जिन साथियों, मैं वंदन चंद्र पांडे भोजपुर फिट्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। खाना तंदुरुस्त रहेगा तो दौड़ भी तंदुरुस्त होगा। बहुत सारी एकेडमी आप देखे होंगे खाने के नाम पर लूटते हैं, खाना दिखाएंगे कुछ, खिलाएंगे कुछ। हम आपको अपना मेनू लिस्ट भी दिखा रहे हैं, आप मेनू लिस्ट भी देख लीजिए कि हमारे यहाँ आज का खाना आप बोलेंगे तो मंडे से लेके संडे शाम तक का खाना आपको डेली बेसिस पे अपडेट कर दूंगा कि जो खाना मेनू में है वही खाना एक्चुअली में खाना मिलता है कि नहीं मिलता है। जो मेनू में है वो हम खाना देते हैं। एक्स्ट्रा में भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आज ये बनना चाहिए, आज फ्राइडे है कल सैटरडे है, तो कल जो बच्चे अंडा खाएंगे कल शाम को हम उनके लिए अंडा भी बनवा देंगे। सैटरडे को हर शाम को अंडा बच्चों को दो दो अंडा, जो बच्चा अंडा खाता है और नहीं तो वेजिटेरियन के लिए वेज खाना। हमारा मकसद है कि बच्चा अगर खूब खाएगा तो खूब दौड़ेगा। दबा के खाइए, दबा के सोइए और दबा के दौड़िए, तीन ही काम के लिए यहाँ पे बच्चे आते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे आज का जो मेनू है। मेनू में पहले तो देखिए ये सलाद है, ये रोटी है, रोटी बिल्कुल घर जैसा है, कोई भी आपको रोटी जला हुआ नहीं मिलेगा या खराब रोटी नहीं मिलेगा। आप रोटी को किसी भी एंगल से देख सकते हैं, किसी भी, और बिल्कुल गरम गरम रोटी है और किसी भी एंगल से देख लीजिए। ये पनीर है, पनीर में पनीर ही है, पनीर में बिल्कुल आपको पनीर मिलेगा। ये आपको दाल, दाल में देखिए बिल्कुल आपको दाल गाढ़ा गाढ़ा दाल मिलेगा, ये नहीं कि खाली खाली पानी वाला दाल नहीं मिलेगा, ये आपको दाल बिल्कुल गाढ़ा मिलेगा। और चावल भी देख लीजिए उच्चतम क्वालिटी का, जिसे अरवा का चावल हाफ बॉयल बोलते हैं इसको, ये उच्चतम क्वालिटी का चावल है। ये सस्ता वाला चावल भी हम नहीं खिलाते, ये आगे 16 रुपये किलो वाला चावल खिला दिए। तो बच्चे से हम भी बात कराएंगे कि बच्चा अचार नहीं दिए, ओके। तो देखिए जितना सफिशियंट खाना इनको चाहिए, ये नहीं कि खाने की पाबंदी है कि आप इतना मत दीजिए ये मत दीजिए। आप कहाँ से आए हैं? सर हम सिवान जिला से आए हैं। सिवान जिला से आए, तो खाने का अपडेट क्या बता रहे हैं? खाना जैसे घर में आप खाते होंगे, यहाँ खाते हैं? खाना घर पे हो या यहाँ पे सब जगह सही मिल है, और यहाँ पे जैसे है यहाँ पे खाना में अच्छा क्वालिटी का खाना है, जो मेनू के हिसाब से खाना मिलता है, हिसाब से खाना मिलता है। ऐसा तो नहीं कि दिखाने के लिए आप सुबह में आपको चना गुड़ और ये केला मिलता है, दोपहर में हमें 11 बजे 10 बजे खाना मिलता है, रोटी चावल दाल सब्जी सलाद वलाद मिलता है, और रात्रि में रोटी चावल दाल ये सब भी मिलता है। रात्रि को भी रोटी चावल चावल भी मिलता है, रोटी मिलता है, सब्जी मिलता है, चावल मिलता है, चावल भी कभी फ्राई मिलता है। अच्छा, वो चावल फ्राई कभी कभी मिल जाता है, सेवई वगैरह सब मिलता है। मेनू में डाल दूंगा आप देख लीजिए। तो खाने का और दौड़ने का, और आप अभी हाई जंप का, मतलब हर ट्रेनिंग के मामले में और खाने के मामले में और रूम के मामले में क्या बताना चाहते हैं? ये हमें यहाँ पे आए हुए आज हफ्ता दिन हो रहा है, और हफ्ता दिन आए हुए यहाँ पे मैंने रनिंग में भी हमें अच्छा फायदा मिला है। जैसे यहाँ पे गुरु जी ट्रेनिंग कराते हैं, जैसे भी दौड़ा तक पाते हैं, अच्छा हमें फोकस करते हैं। तो देखिए खाना के बारे में लड़का अपडेट बताया, और भी हम कुछ बच्चों से बात करा देंगे। आप हिमाचल से आए? हिमाचल से ही आए हुए हैं, और बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए, और आर्मी की अभी अग्निवीर की अभी जो भी मैं वैकेंसी अभी सामने आ रहा है उसकी तैयारी करने के लिए हिमाचल से आए हुए हैं। तो खाने में कितना नंबर देना चाहते हैं? 10 भी बता दीजिए, 100 नहीं, 100 ज्यादा हो जाएगा। 10 में 10 नंबर मिलेगा, 10 में 10 नंबर खाने जैसा घर पर खाना खाते हैं वैसा यहाँ पर भी। ओके, ऐसा तो नहीं कि चावल पाबंदी भी देता है या रोटी? नहीं सर, नहीं ना, जितना है उतना खाओ, बस वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। हाँ, खाना को हम वेस्ट नहीं करने देंगे, जो आप प्लेट में ले लिए उसको आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि यही होता है, इसी अन्न के लिए हम भाग रहे हैं। देखिए दाल भी है, सब्जी है, पनीर का अचार है, सलाद है और चावल है, रोटी भी है, रोटी भी बच्चा ले। समस्तीपुर से घर का खाना और यहाँ के खाने में कितना अंतर बताएंगे? सेम, उससे बेहतर क्वालिटी का खाना। आप कितने दिन से यहाँ पे? लगभग लगभग हो गया डेढ़ महीने में। आप खाने का क्या रिपोर्ट बताना चाहते हैं, और ट्रेनिंग का? खाना और ट्रेनिंग और रूम, खाना और ट्रेनिंग और रूम सब बेहतर बेहतर। तभी तो आप समस्तीपुर से आ रहे हैं, वहाँ भी अच्छा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा। तो देखिए, तो अगला वीडियो है ये आपके रूम के, लेकिन अभी आप खाना देखें, और खाना के बाद रूम भी बहुत जरूरी है कि एक रूम में आपको किस तरह से, जिस एकेडमी में यही 4,500 या 5,000 या 5,500, 6,000, 7,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 तक भी चार्ज किया जाता है, तो वहाँ का रूम का क्वालिटी फैसिलिटी, यहाँ के रूम की फैसिलिटी, यहाँ के रूम का जो वेंटिलेशन है, वहाँ के रूम का वेंटिलेशन है किस प्रकार है, तो वहाँ पर आपको नीचे सुलाया जाता है या गद्दा दिया जाता है या चौकी दिया जाता है, बिना पंखा के सुलाया जाता है, पंखा दिया जाता है क्या, और खिड़की में खिड़की की फैसिलिटी है कि नहीं है, या बंद रूम में आपको कोच के रखा जाता है, एक रूम में 4, 5, 6, 7 कितना रखा जाता है, आइए हम दिखाते हैं। ये देखिए रूम है हमारा,
बड़ा है, काफी हौदेदार भी है, दो खिड़कियां है, एक खिड़की ये हो गया, ये भी पीछे खुलता है, बच्चा अपना खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी बिल्कुल हौदा, और दूसरी खिड़की देखिए ये, यानी कि इसको फुली वेंटिलेशन के लिए इस खिड़की इस रूम को मौका मिलता है और लड़का आराम से अपना स्वस्थ रह भी सकता है। ऊपर देखिए पंखा लगा है, बिना पंखा का कोई बच्चा नहीं आता। यहाँ पर देखिए एक बेड, दो बेड, तीन बेड, आप देखिए कि आप इतने ही पैसे दे रहे हैं कहीं पे तो आप कहीं फंस तो नहीं रहे, इतना ही पैसे में आपको कहीं नीचे तो नहीं चलाया जा रहा, इतने ही पैसे में आपको कहीं पहुंच के तो नहीं रखा जाता भेड़ बकरी की तरह, ये चीज को भी ध्यान देना है। आइए हम दूसरे रूम में भी यूज कराते हैं। देखिए ये दूसरा रूम है हमारा, सभी रूम एक जैसा ही है, ऐसा नहीं कि वो रूम अलग है ये रूम अलग है, फर्स्ट क्लास दो खिड़की है, आराम से बच्चों को एक बेड, दो बेड, तीन बेड, एक रूम में तीन बच्चे रह रहे हैं और ऊपर पंखा लगा हुआ है, लाइट की फैसिलिटी है, हवादार है बिल्कुल। फिर भी बच्चों को हम यहाँ पर चौकी पर ही सुलाते हैं, नीचे नहीं सुलाते हैं गद्दे और चौकी को। देखिए आपको अपने घर से कुछ नहीं लाना, अपने घर से एक बेडशीट और एक मच्छरदानी लेके आना, ये देखिए फर्स्ट क्लास चौकी है, उसके बाद ये गद्दा है और अपना बच्चा बेडशीट लेके आता है। ये फैसिलिटी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये पक्का कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, जय हिंद।